हेलो गाइस, आपका स्वागत है इस चैनल पर। आज हम बनाते हैं बरहमा भिंडी। अगर इस तरीका से बरहमा भिंडी बनाओगे तो बहुत ही झटपट बन के रेडी होती है और बहुत ही टेस्टी और बहुत ही स्वादिष्ट बनती है। और आप चाहते हो तो ऐसे बना सकते हो और आप चाहते हो तो भर के बना सकते हो, लेकिन भर के जो बनाते हो तो मसाला उसमें कच्चा रह जाता है, इसीलिए मैंने इस तरीका से बनाई है। आप इसको ज़रूर ट्राई करें। तो चलिए आप बनाना शुरू करते हैं। ये मैंने भिंडी ली है, भिंडी को दोनों तरफ से काट कर इसको चीरा लगा लिया, पूरा अलग नहीं करा इसलिए। और बड़ी भिंडी है उसमें से दो टुकड़ा करा है और छोटी भिंडी को एक ही करा है, उसे दोनों तरफ से काट के नहीं और धो के रेडी कर लिया इस तरीका से। चलिए तो हम शुरू करते हैं। मैंने तेल लिया है कढ़ाई में तेल डाल दिया दो चम्मच के करीब, और इसमें मैं अभी गर्म हो गया तेल। अब मैं इसमें हींग डालूँगी एक चुटकी के करीब, और इसमें आधी चम्मच के करीब मैं अजवाइन डालूँगी, देखिए इस तरीका से। और मैं आधी चम्मच ही इसमें जीरा डालूंगी। आप चाहते हो तो जीरा से चौंक सकते हो, आप चाहते हो दोनों से चौंक सकते हो इस तरीका से। और अब मैंने मिर्ची और प्याज काटी थी उसको डाल दूंगी इस तरीका से। मैंने एक प्याज काटा, दो तीन मिर्ची काटी हरी वाली, बड़े लंबे लंबे टुकड़ों में। आप चाहते हो तो आप बारीक टुकड़ों में काट सकते हो। और मैं फिर इसमें मैंने भिंडी काटी थी उसको मैंने तैयार किया था उसको डाल दिया, और उसको मैं अच्छे से इसको हिला के ऐसे मिक्स करके मैं इसको अच्छे से फ्राई करूँगी इस तरीका से। अच्छे से मिलाऊंगी, अच्छे से मिक्स करूंगी, और फ्राई होने के बाद मैं इसमें एक चम्मच डेढ़ चम्मच के करीब मैं इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डालूंगी जो मैंने कूटा था इस तरीका से। आप चाहते हो तो कद्दूकस कर सकते हो, आप चाहते हो तो इसे खलड़ में कूट सकते हो इस तरीका से। मैंने अब इसको अच्छे से मिक्स करूंगी और इसको थोड़ी देर के लिए पकाऊंगी। तब तक मेरा लहसुन अदरक का पेस्ट भी पक जाएगा और मेरी भिंडी भी फ्राई हो जाएंगी अच्छे से। और इसको अच्छे से इससे हल्के हाथों से अच्छे से पक इसको ऐसे आसानी से हिलाना है इस तरीका से, मिक्स करना है, ज़्यादा तेज़ से नहीं करना, नहीं तो सारी भिंडियाँ अलग अलग फट जाएंगी, अलग अलग हो जाएंगी इस तरीका से। हल्के हाथों से मैंने इसको अच्छे से हिला के और ढक दिया है। अब इसे 2 मिनट के लिए ढक दिया है। अब मैं इसको देखूँगी, देखिए मेरी ना भिंडी फ्राई हो चुकी है अच्छे से। अब मैं इसमें मसाले डालूँगी, देखिए इसको एक बार मिक्स करके मैं देखती हूँ। देखिए इस तरीके से कितनी अच्छी से मेरी भिंडी फ्राई हो गई है। मैंने दो चम्मच के करीब लाल मिर्ची डाली है, 2 चम्मच के करीब मैंने धनिया डाला है, आधी चम्मच हल्दी डाली है, और आधी चम्मच के करीब इसमें गरम मसाला डाला है। आप चाहते हो तो डाल सकते हो, नहीं तो नहीं डाल सकते हो। और मैं अमचूर डालूँगी, इसमें नींबू डालूँगी इस तरीके से। और अब मैं इसमें 2 चम्मच या 1.5 चम्मच के करीब इसमें नमक डालूँगी, आप अपने स्वाद के अनुसार डाल सकते हो इस तरीके से। और इसको मिक्स करूँगी और फिर से इसे ढक दूँगी और ढक के पकाऊंगी। इसमें मैं पानी ना ऐड नहीं करूंगी, पानी बिल्कुल भी इस तरीके से, इसीलिए मैं भरे हुए भिंडी इसमें अच्छे से मेरा मसाला अच्छे से मिक्स हो जाएगा, भिंडियों के अंदर तक फंस जाएगा। देखिए इस तरीके से, देखिए मेरी भिंडी कितनी अच्छे से कलर आ गया और अच्छे से मसाला फंस के रेडी हो चुका है। देखिए भरेमा भिंडी अगर आप चाहते हो तो इस तरीके से बना सकते हो, और आप चाहते हो तो वैसे बना सकते हो। तो देखिए मैं ऐसे बनाती हूँ, मेरे को बहुत टेस्टी और बहुत ही अच्छी और बहुत ही आसान बन जाती है इस तरीका से बनाना। तो आप देख लीजिए, आपको अगर अच्छी लगी तो मेरी रेसिपी तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और कमेंट में ज़रूर बताएं आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। देखिए मेरी सब्जी बनके रेडी हो चुकी है, मैंने गैस को ऑफ कर दिया, ढक दिया है। अब देखिए मैं आपको सेक करके दिखाती हूँ, आप इसे चावल के साथ खा सकते हो, एक एक उठा के। बिल्कुल भिंडी मेरी बिल्कुल अलग अलग नहीं हुई है, और कितनी अच्छे से मेरे एक एक भिंडी को गिन सकते हो। मैंने एक नींबू का रस इसमें निचोड़ दिया इस तरीके से। आप चाहते हो तो अमचूर डाल सकते हो, लेकिन मैं अमचूर नहीं डालती इसीलिए मैं नींबू डालती हूँ, और ना मैं टमाटर भी नहीं डालती। देखिएगा इस तरीके से, और देखिए मेरी भिंडी कितनी अच्छे से बन के रेडी हो गई है। इसे तुम चावल के साथ खा सकते हो, रोटी के साथ खा सकते हो, पराठे के साथ खा सकते हो, स्कूल टिफिन में भी पैक करके रख सकते हो, या लंच में पैक करके रख सकते हो। इतनी टेस्टी और इतनी स्वादिष्ट और देखने में भी इतना अच्छा कलर आया है इस सब्जी में। अगर आप खाओगे तो आप उंगली चाट चाट के नहीं बोलोगे क्या मस्त भिंडी।